जय हिंद दोस्तों, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कट कमांडो बनने के लिए एक सोल्जर को 14 महीने की NSG ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है। आज के इस वीडियो में इस 14 महीने की NSG ट्रेनिंग में एक सोल्जर के साथ में क्या क्या किया जाता है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो NSG में दो तरह से ज्वाइनिंग होती है, एक होता है इंडियन आर्मी से, दूसरा होता है CAPF फोर्सेस और पुलिस सर्विस से। जो इंडियन आर्मी से ज्वाइन करते हैं वो स्पेशल एक्शन ग्रुप का पार्ट बनते हैं, और जो CAPF और पुलिस फोर्स से NSG ज्वाइन करते हैं वो स्पेशल रेंजर ग्रुप के पार्ट बनते हैं। स्पेशल एक्शन ग्रुप काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है, वहीं पर स्पेशल रेंजर ग्रुप VIP सिक्योरिटीज के लिए ट्रेंड है। इसीलिए दोनों का ट्रेनिंग प्रोसेस भी अलग अलग है, लेकिन NSG की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जो की 90 दिन की होती है। NSG के लिए वॉलंटियर करने के बाद एक सोल्जर की मेडिकल टेस्ट होता है। वो सोल्जर मेडिकली फिट होना चाहिए, उम्र 35 साल से नीचे होना चाहिए। उसके बाद उसे बेसिक NSG ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जो कि 90 दिन की है। इस 90 दिन की ट्रेनिंग में NSG वॉलंटियर्स को फिजिकल ट्रेनिंग के 26 एलिमेंट्स से गुजारा जाता है। इस 26 एलिमेंट्स में ऑब्स्ट्रकल कोर्स होते हैं, जिसमें हाइट से जंप करना, रनिंग करना, डिवाइडर्स के ऊपर रनिंग करना, बड़े बड़े दीवारें चढ़ना, पहाड़ हो, जंगल हो, अंडर वाटर हो, चाहे शहरी इलाका हो, किसी भी तरह के टेरेन में किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रकल्स को कैसे क्रॉस करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग टेरेन में कमांडोज के मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं। जंगल में अलग तरीके से मूवमेंट होता है, रेगिस्तान में अलग तरीके से मूवमेंट होता है, शहरी इलाकों में अलग तरीके से मूवमेंट होता है। वो सारी मूवमेंट्स को इसी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग में एंड्यूरेंस टेस्ट, रनिंग टेस्ट होता है। हर दिन एक कमांडो को 20 किलो के भारी वजन के साथ में 15 से 20 किलोमीटर दौड़ाए जाते हैं। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, कर्व मगा की ट्रेनिंग, फिलिपिनो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग, नाइफ हैंडलिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट और बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ने की प्रशिक्षण दी जाती है। दुश्मन कमांडो से कितना भी लंबा चौड़ा और तगड़ा क्यों ना हो, कमांडो कुछ ही मिनटों में उसे धराशायी करने के लिए ट्रेंड होते हैं। और यहाँ पर धराशायी का मतलब नॉकआउट नहीं, यहाँ पर धराशायी का मतलब है जान से मार देना। बेसिक ट्रेनिंग में कमांडो को टारगेट शूटिंग और कम्युनिकेशन के अलग तरीके का नॉलेज दिया जाता है, साथ में स्पेशलाइज्ड वेपन ट्रेनिंग के साथ में डिजिटल डिवाइस को कैसे ऑपरेट किया जाता है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल टेस्ट को कम्प्लीट करने के बाद एक NSG कमांडो की साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पर एक कमांडो के ऊपर स्ट्रेस डाल के देखा जाता है कि वो कमांडो कितना ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है, और दिमाग में जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा उस वक्त पर उस कमांडो की डिसीजन लेने की क्षमता क्या है, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त पर हर एक कमांडो के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, लेकिन उसके बावजूद उनको डिसीजंस लेने होते हैं, और उस डिसीजंस के ऊपर उन कमांडोज के साथ साथ में पीछे जितने भी कमांडोज हैं उन सब की जिंदगी और इस देश की सिक्योरिटी सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर टिका होता है। इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट में स्ट्रेस को कैसे हैंडल करके सही डिसीजन लेना होता है ये सिखाया जाता है। जो कमांडोज ये 90 दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है उन्हें फर्दर ट्रेनिंग के लिए 9 महीने की NSG एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसी 90 दिन की बेसिक NSG ट्रेनिंग में 70-80% सोल्जर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एडवांस ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, जैसे कि मैंने बताया स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप के लिए ट्रेनिंग अलग होती है, स्पेशल रेंजर ग्रुप के लिए ट्रेनिंग अलग होती है। एडवांस ट्रेनिंग में NSG के लिए अर्बन काउंटर टेररिज्म, अंडर वाटर ऑपरेशन, एंटी ड्रोन ऑपरेशन, बम डिटेक्शन और उसे डिस्पोज करने के स्किल्स सिखाए जाते हैं। और इसके अलावा एक एडवांस शूटिंग टेक्निक भी उन्हें सिखाए जाते हैं। इस टेक्निक में कमांडोज को एक पूरी तरीके से अंधेरे रूम में भेजा जाता है और कमांडोज को 3 सेकंड के अंदर टारगेट को ढूंढकर शूट करना है उसी अंधेरे में। अंधेरे में कैसे आंखों का इस्तेमाल किया जाता है इसकी भी एक अलग तरीके की ट्रेनिंग NSG में दिया जाता है। अंधेरे रूम में लाइट के तौर पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ कमांडोज के बंदूक के आगे एक लेजर लाइट लगी हुई रहती है, जिससे रोशनी तो कुछ नहीं होता है लेकिन टारगेट को ढूंढने में थोड़ी बहुत मदद जरूर हो जाती है। 3 सेकंड के अंदर अगर टारगेट शूट नहीं होता है तो उसे NSG से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि NSG की ट्रेनिंग में शूटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। NSG का एक कहावत है, 1 बुलेट 1 एनिमी, एक गोली और एक दुश्मन। गोली वेस्ट नहीं होना चाहिए और दुश्मन बचने नहीं चाहिए। इसके अलावा NSG के बडीज के बीच में कॉन्फिडेंस फायरिंग भी होती है, जिसमें एक NSG कमांडोज के पीछे एक टारगेट को रखा जाता है और उसकी बडी उस टारगेट पर शूट करता है। टारगेट और NSG कमांडोज के बीच में सिर्फ 14 सेंटीमीटर का गैप रहता है, यानी कि सामने वाला जो शूट कर रहा है वो अगर थोड़ा सा भी गलती कर दे तो उसकी बडी की जान तक जा सकती है। इस टेस्ट में गोलियां असली होती है, क्योंकि इसी तरह के एक्टिविटीज दोनों कमांडोज के बीच की बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसको जितना विश्वास अपने ऊपर है उतना ही विश्वास सामने वाले बडी के ऊपर भी होना चाहिए, तब जाकर के एक टीम बनती है। और ये पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक सोल्जर को NSG में रिक्रूट किया जाता है, और NSG में एक सोल्जर 3-5 साल तक ही अपनी सर्विस देता है। उसके बाद उसे अपने पेरेंट यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। कुछ केसेस में
5 साल को एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है। और इस 14 महीने की एनएसजी ट्रेनिंग में ड्रॉप आउट रेट 80-90% है। 100 में से सिर्फ 10 लोग ही एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो बन सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आने पर एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का ही एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।